हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग यूके। तो कुछ भी शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। मेरा नाम सूरज सिंह है एंड आई एम फ्रॉम जमशेदपुर। इट इज़ अ स्मॉल सिटी इन द स्टेट ऑफ झारखंड। आई एम हेयर टू शेयर माई एक्सपीरियंस फ्रॉम जमशेदपुर टू यूके विथ यू ऑल। तो कुछ भी शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन लाइफ रिलेटेड टू यूके, ऑन which colleges to get in, how to get in the colleges, how to get a job and how to live in UK. So without further delay, let's get started. So the journey started after I decided to quit my cricketing career and pursue MCA, that is to complete my education. So after not being selected exactly into the state teams of my state Jharkhand, I was really frustrated and I decided to move on with my career. So for completing my studies, I went to Dehradun. It was back in 2020 when I first realized that I should go outside India and complete my studies or get a job, anything of that sort. या तो हम job करें या तो बाहर जाके पढ़ाई करें, ये ख्याल मेरे मन में पहली बार 2020 में आया। बट इट वॉज अ पेंडेमिक दैट टाइम एंड एक साल ऐसे ही गुजर गया। सो 2021 मेरी जॉब लग गई एंड आई वॉज सेटल्ड इन। तो ठीक ठाक जॉब था, आई वॉज हैप्पी विथ माई जॉब, बट डीप डाउन मेरे मन में एक ख्याल था दैट आई शुड गो आउटसाइड इंडिया एंड एक्सप्लोर द एंटायर वर्ल्ड। तो सो आई डिसाइडेड टू गो टू कैनेडा एंड देन स्टार्टेड ऑल माई प्रोसेसेस। तो सारे प्रोसेस स्मूथली चल रहे थे एंड इट वॉज ऑल आई एवरीथिंग वॉज फाइनलाइज्ड, ठीक है। बट लेटर ऑन जब मुझे पता चला कनाडा के वेदर के बारे में एंड बाकी चीज़ों के बारे में, देन आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ माई डिसीजन। फिर लेटर ऑन वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड मी टू कम टू यूके। बहुत सारे जानकारी इकट्ठा करने के बाद आई डिसाइडेड टू दैट आई विल गो विथ यूके, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ये भी था कि यूके में आई विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटीज टू प्ले क्रिकेट एज वेल। तो ये एक दिमाग में था एंड आई वेंट ऑन विथ माई डिसीजन। नाउ इन 2022 आई स्टार्टेड माई एप्लीकेशंस फॉर कॉलेजेस। आई ऑलमोस्ट सर्च्ड फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़ इन यूके एंड देन आई डिसाइडेड 14 ऑफ देम। तो 14 कॉलेजेस में मैंने एप्लीकेशंस डाले, SOPs बनाना, फिर सबको एप्लीकेशन को सबमिट करना, कॉलेज फी एंड ऑल ये सब सर्च करना, वॉज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। बट इट वॉज आई वॉज ऑल्सो वेरी नर्वस कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, विल आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी देयर, ये सब सारे कॉम्प्लिकेशंस दिमाग में चलते ही थे। वैसे सारे स्टूडेंट्स के चलते हैं ये सब सारी चीज़ें, ये तो डर तो लगा ही रहता है। बट देन मेरे मन में ये भी डर था कि मेरे स्टडीज़ में 3 साल का गैप था बिकॉज ऑफ माई क्रिकेट। तो द फियर ऑफ नॉट गेटिंग सेलेक्टेड, द फियर ऑफ द रिजल्ट, ये सभी के मन में होता है। नॉट एवरी वन इज़ अ MS धोनी कि सब कोई रिजल्ट का को ध्यान से हटा के सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दे, ये सबसे नहीं हो पाता। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। सो हुआ क्या कि आई स्टार्टेड माई एप्लीकेशंस फेब में, फिर आई वॉज वेटिंग फॉर माई कंडीशनल और अनकंडीशनल लेटर विच एवर दे माइट प्रोवाइड मी विद। फिर सबसे पहले एक कॉलेज से मेरा ईमेल आया एंड आई वॉज रियली हैप्पी, बहुत एक्साइटेड थे। बट ईमेल मैंने खोल के देखा नहीं था, आई वॉज रियली एक्साइटेड। आई प्रेड टू गॉड कि हो जाए, मेरा किसी भी एक कॉलेज में भी हो जाए। बट एज यूजल मेरे लाइफ में पिछले 4-5 सालों से यही चलता रहा था, रिजेक्शन, एंड वही हुआ। एंड लिखा हुआ था सॉरी फॉर बींग रिजेक्टेड एंड ऑल, ये सब लिखा हुआ था। आई वॉज रियली सैड उस दिन, मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। लग रहा था कि ऐसे ही धीरे धीरे सारे कॉलेज से रिजेक्शन हो जाएगा, फिर ऐसे ही जॉब करके रहना पड़ेगा। बट था यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल फेज था वो। फिर लेकिन स्पोर्ट्स से मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखा, स्पोर्ट्स ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया था कि कोई भी सेटबैक, एनी सेटबैक मुझे उतना ज़्यादा हर्ट नहीं करता था। आई वॉज रेडी टू मूव ऑन अगेन। तो ये स्पोर्ट्स सबके लाइफ में होना चाहिए, इट गिव्स यू अ रियल स्ट्रेंथ, मेंटल स्टेबिलिटी आ जाता है इससे। तो वही एक चीज़ था जो विच केप्ट मी स्ट्रांग एंड केप्ट मी गोइंग। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर से एक ईमेल आया कॉलेज से, इट वॉज
this time it was from Leeds Beck University, and I was praying to God ki Bhagwan is bar selection karwa do yaar please. So finally I was really happy and I got selected. फिर मेरे मन में ये कन्फ्यूजन आ रहा था कि ये कॉलेज अच्छा है या फिर आई शुड वेट फॉर अदर कॉलेज एज वेल. मुझे उस समय कंडीशनल लेटर आया था एंड देन आई वॉज वेटिंग फॉर अनकंडीशनल लेटर. तो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई कोच दैट शुड आई गो विद दिस कॉलेज और आई शुड वेट फॉर अदर कॉलेज एज वेल. तो माई कोच कन्विंस्ड मी. माई कोच नेम वॉज आकाश. ही वॉज रियली इज अ जेम ऑफ अ पर्सन मैन. वो मुझे हर समय कंसोल किया. उसने मुझे हर समय हेल्प किया टू ऑल माई सिली क्वेश्चन एंड एवरी थिंग. ही टॉलरेटेड मी सभी समय. वो ही वॉज देयर विद मी. सो आई वुड लाइक टू मैंशन हिज नेम. ही वॉज रियली वेरी हेल्पफुल. पूरे प्रोसेस के दौरान मुझे गाइड किया. उन्होंने मुझे गाइड किया एंड ही वॉज ऑलवेज देयर. तो आई वॉज रियली कन्फ्यूज कि कॉलेज के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. बट देन आई सेड कि नहीं, गॉड इज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड अगर ये नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता. सो आई डिसाइडेड टू गो विद दिस कॉलेज एंड देन आई स्टार्टेड माई पेड माई 50% ऑफ द फी. फिर आई वॉज वेटिंग फॉर अनकंडीशनल लेटर जो कि आया June 7 को. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसी समय आया. माई कोच टोल्ड मी टू दैट द कैश सबमिशन डेट, कोई लास्ट डेट नहीं था कैश सबमिशन डेट का. बट देन आई रिसीव्ड अ मेल कि कैश सबमिशन का लास्ट डेट वॉज 14th, ठीक है, 14th ऑफ ऑगस्ट. और उसी समय फंड्स को भी मैच्योर होना चाहिए, 28 डेज ओल्ड होना चाहिए आपका जो लिविंग एक्सपेंसेस एंड बाकी कॉलेज फी हैं वो टोटल करके 28 डेज ओल्ड होना चाहिए वो फंड्स. और मेरे फंड्स बैंक में मैच्योर हुए नहीं थे. वो मैच्योर होने वाले थे 16th को, दो दिन बाद. तो इट वॉज रियली कन्फ्यूजिंग और बहुत डर लग रहा था कि मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा या फिर सेलेक्ट होगा. बट चांसेस था ज़्यादातर रिजेक्शन का बिकॉज डेडलाइन दो दिन क्रॉस हो रहा. बट स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड और भगवान मेरे बात को सुन लिए. एंड रियली थैंकफुल टू हिम कि उनके बिना, उनकी मर्जी के बिना ये चीज़ नहीं हो पाता. उन्होंने डेट को 18th करवा दिया. आई डोंट नो ये मेरे प्रेयर से हुआ या किसी और के प्रेयर से हुआ. आई डोंट नो रियली. बट दिस वॉज रियली हेल्पफुल मैन कि 18th हो गया, एक्सटेंड हो गया डेट. आई वॉज एबल टू सबमिट माई डॉक्यूमेंट. सारा डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस हो गया एंड वॉज रियली वेटिंग फॉर कैश. कैश लेटर सभी का आ गया था. किसी का 5 दिन में आया, किसी का 10 दिन में. और फॉर माई केस इट टुक ऑलमोस्ट 34 डेज. तो 34 डेज के बाद मेरा कैश आया. और इससे पहले मैंने फ्लाइट के टिकट्स भी बुक कर लिए थे. तो आई वॉज रियली अफ्रेड कि कहीं मेरा वीज़ा और का आने का टाइम मेरा फ्लाइट के डेट के बाद ना हो जाए. तो आई वॉज रियली अफ्रेड. बट देन सारा प्रोसेस हो गया स्मूथली और आई वॉज एबल टू फ्लाई ऑन 14th of September एंड आई लैंड ऑन मैनचेस्टर ऑन 14th itself. तो ये मेरा सारा जर्नी था. आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगा. नेक्स्ट वीडियोज़ में आई विल ट्राई टू कवर ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश, रिलेटेड टू हाउ टू अप्लाई टू द यूनिवर्सिटीज़, विच ऑल यूनिवर्सिटीज़ आर गुड फॉर विच सब्जेक्ट्स. ये नेक्स्ट वीडियोज़ में आई विल कवर अप. ये बस एक छोटा सा समरी था मेरे जर्नी का. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. थैंक यू एंड प्लीज़ आई अगेन आस्क यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट विल बी प्लेजर मीटिंग विथ यू ऑल अगेन. थैंक यू.